तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपको तीन टिप्स बताई थी स्नैपसीड की एंड आप लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसके और भी वीडियोस बनाए स्नैपसीड के और भी वीडियोस बनाए तो गाइस मैं हाजिर हूं आपके लिए वीडियो लेके तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड चलो फिर करिए शुरू। तो सबसे पहले गाइस हम अपनी फोटो को स्नैपसीड के अंदर ओपन करते हैं एंड गाइस अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके पार्ट वन की वीडियो देख लीजिए एंड अब हम यहां पर ये पेन बना हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं एंड इसके अंदर हमारी पहली ट्रिक जब हम गाइस सिलेक्टिव टूल का यूज करते हैं जैसे ये सिलेक्टिव टूल को हम सिलेक्ट करते हैं एंड सपोज हम इस फोटो में जो पीछे के ट्रीज हैं उनकी ब्राइटनेस को हम बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया था हम फोटो को जूम करते हैं जो भी ट्री का पार्ट हम ब्राइट करना चाहते हैं उसके ऊपर हमने सिर्फ एक टैप करना है क्लिक करना है सिंपली जैसे इस तरह से हमने टैप किया। अब इसके बाद हम ऐसे जो पिंच करते हैं इसके बाद हम ऐसे पिंच करके एरिया को चेक करेंगे कि ये ट्रीज का पूरा एरिया सिलेक्ट है या नहीं। तो ये एरिया पूरा सिलेक्ट नहीं है तो हम इसको बड़ा कर देते हैं इस तरह से। तो ये पूरे ट्रीज सिलेक्ट हो चुके हैं लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये चेहरे का पार्ट है वो भी रेड हो गया यानी कि चेहरा भी सिलेक्शन में आ गया। अगर सपोज हम इसकी ब्राइटनेस को कम करते हैं ये लेफ्ट साइड को ड्रैग करके तो ये चेहरा भी देखो डार्क हो गया। ये पहले देखो चेहरा गोरा था चेहरा भी डार्क हो रहा है यानी कि अगर हम इसकी सैचुरेशन को बढ़ाएंगे अपने फिंगर से इसको नीचे करके सैचुरेशन इसको बढ़ाएंगे तो अब चेहरा भी देखिए चेहरे की सैचुरेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है चेहरा भी ऑरेंज हो गया। पीछे के ट्रीज तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन चेहरा भी ऑरेंज हो गया। तो उसका सॉल्यूशन क्या है बहुत ही सिंपल है गाइस। आपने सिंपली ये चीज जो प्लस बना हुआ है इसको हम फिर से एक बार सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे एंड इस पर ही हम टैप करेंगे स्किन के ऊपर जो जो स्किन का पार्ट ऑरेंज हो गया ज़्यादा ऑरेंज है जैसे ऊपर माथे का पार्ट ज़्यादा ऑरेंज है उसके ऊपर हम एक टैप करते हैं एंड फिर से इसको सिलेक्ट करके जो नेक का एरिया है गर्दन का उसके ऊपर एक टैप कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही कम हो गई सैचुरेशन लेकिन अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा कम हो तो सिंपली अपने फिंगर को नीचे स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड सैचुरेशन को सिलेक्ट किया एंड इसको लेफ्ट साइड की तरफ यानी कम कर रहे हैं और ये कम हो गई। इस तरह से जो माथे भी हमने पॉइंट बनाया उसको सिलेक्ट करेंगे सैचुरेशन एंड इसको लेफ्ट साइड की तरफ। आप चाहो तो इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए ध्यान से पीछे के जो ट्रीज हैं उनकी सैचुरेशन बढ़ चुकी है बहुत ही बढ़िया और फेस की सैचुरेशन बिल्कुल सही है उसको चेंज किए बिना उस पर इफेक्ट किए बिना। अब नीचे से कर दो डन। तो गाइस ये थी हमारी पहली ट्रिक। अब चलते हमारे दूसरे ट्रिक की तरफ। तो उसके लिए हम फिर से पेन पे क्लिक करते हैं एंड इसके अंदर गाइस हमारे पास इफेक्ट आता है जैसे फॉर एग्जांपल एचडीआर स्केप। तो हम इस इफेक्ट को हम फुल कर देते हैं जैसे इसकी नीचे सैचुरेशन है उसको भी बढ़ा देते हैं। तो जैसे ये इफेक्ट है तो इसमें गाइस आप ध्यान से अगर देखेंगे तो टी शर्ट को सिर्फ टी शर्ट कपड़ों को देखिए तो कपड़े काफ़ी अच्छे लग रहे हैं तो इससे कपड़ों में थोड़ी शार्पनेस की वैल्यू थोड़ी शार्पनेस बहुत ही अच्छी लग रही है उभर के बाहर आ रहे हैं कपड़े लेकिन यही सेम इफेक्ट चेहरे पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आप चाहते हैं अगर यही इफेक्ट सिर्फ कपड़ों के ऊपर आए चेहरे पे ना आए उसका सॉल्यूशन क्या है तो वो बहुत ही सिंपल। सबसे पहले तो आपने इफेक्ट को जहाँ पर चाहिए वहाँ पर चेक कर लो जैसे हमें टी शर्ट पर चाहिए तो आप टी शर्ट पर चेक कर लो कि हाँ भाई इतनी वैल्यू टी शर्ट पर सही है यानी फाइनल है चेहरे की फिक्र मत करो सिर्फ टी शर्ट की तरफ देखिए। तो अब टी शर्ट पे बहुत ही बढ़िया इफेक्ट लग चुका है आपने सिंपली नीचे से कर देना डन। एंड अब बारी आती है इसको फेस से रिमूव कैसे करें तो उसके लिए ऊपर आपने यहां पर क्लिक करना है एक डिब्बा बना हुआ है एडिट स्टैक इस पर हम क्लिक करते हैं एंड इसके अंदर हमारे पास है व्यू एडिट्स यानी कि हम देख सकते हैं हमने क्या क्या इफेक्ट लगाए व्यू एडिट्स हम इसको व्यू करेंगे एंड यहां पर जो हमने अभी इफेक्ट लगाया एच डी आर स्केप वो आपको यहां पर शो हो रहा है बिल्कुल एंड इसके एरो पे क्लिक करो इसके अंदर इस सेंटर वाला बटन है ये ब्रश का तो ब्रश को हम सिलेक्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर गाइस ये सेकंड नंबर पर ये एक ट्रायंगल और सर्कल बना हुआ है साइड पर तो अगर ये तो ब्लैक कलर का इसका मतलब इफेक्ट कोई भी स्क्रीन पर नहीं शो होगा जो भी आपने अभी इफेक्ट का यूज़ किया जैसे हमने एचडीआर इफेक्ट का यूज़ किया तो वो इस यहाँ पर नहीं शो हो रहा। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं इसको ब्लू कर देते हैं क्लिक करके एंड अब देखिए ये सारा इफेक्ट लगा हुआ है। तो अगर आपका ये ब्लू कलर में शो हो रहा है तो आप इसको टैप करके ये ग्रे या ब्लैक में कर दीजिए। इसके बाद ये नीचे एच डी आर स्केप 100 लिखा हुआ है इसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 100 वैल्यू सही है बिल्कुल सही है 100 वैल्यू। इसके बाद जिस भी पार्ट पे आपने इफेक्ट का यूज़ करना आपने सिंपली फोटो को जूम करना है एंड अपनी फिंगर से उसके ऊपर आप इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये देखो बहुत ही बढ़िया इफेक्ट लग रहा है
जैसे सपोज करो आप टी शर्ट पे कलर भर रहे हैं, ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा स्किन का पार्ट भी आपसे ऐसे हो गया, तो उसको रिमूव कैसे करना है? आपने यहाँ से जो नीचे वाला एरो है, छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, 100 से 75 आ गया, अब 50 आ गया, अब 25 एंड अब 0। जब 0 आ जाए तब आपने इस ब्रश का यहाँ पर यूज़ कर देना जहाँ पर नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अब फिर से जो टी शर्ट का बाकी का एरिया है उसके लिए वैल्यू हम वापस से एच डी आर स्केप की वैल्यू को वापस से टैप करके कर देंगे 100 एंड यहाँ पर हम कर देंगे फिल। तो क्या सपोज करें आप चाहते हैं कि यही इफेक्ट आप बालों पर यूज़ करें, लेकिन जो बालों पर इसकी वैल्यू हो वो 100 आपको ज़्यादा लग रही है, ये ज़्यादा शाइन आ रहा है, इतना आपको नहीं चाहिए, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से 100 की जगह आपने 50-25 वैल्यू करके देख लो, 25 कर देते हैं। 25 करने के बाद आप इसको यूज़ करिए तो देखिए पहले से बेटर है। तो आपको जितनी वैल्यू चाहिए आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, एंड सिंपली आपने यहाँ से कर देना डन एंड यहाँ से कर दो बैक, तो ये आपका इफेक्ट जहाँ पर आप चाहते हैं वहीं पर आ जाएगा। तो अब चलते हैं हमारी तीसरी ट्रिक की तरफ। इसके लिए हम फिर से पेन पे क्लिक करेंगे एंड इसके अंदर हमारे पास नीचे ऑप्शन आती है हेड पोज की, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। जैसे सपोज करो हमारा मॉडल स्माइल कर रहा है लेकिन हमें फोटो में स्माइल नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये सेटिंग्स बनी हुई है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से स्माइल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब स्माइल नहीं करवानी चाहते आप तो इसको लेफ्ट साइड की तरफ ले चलो, देखिए पहले स्माइल था अब नहीं है। एंड अगर आप स्माइल बढ़ाना चाहते हैं लैसे था अब थोड़ी ज्यादा स्माइल। यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर हमारे पास और भी ऑप्शन है जैसे प्यूपिल साइज, अगर फोटो में आंखें विजिबल हैं यानी कि गॉगल्स नहीं पहने हुए तो उससे आंखों का साइज भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे हमने स्माइल का किया उसी तरह से आंखों का भी हो सकता है। उसके बाद नीचे फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ होता है गाइस फेस को मोटा करना या पतला करना। तो अगर हम फोकल लेंथ को लेफ्ट साइड की तरफ फिंगर को करेंगे इस तरह से तो देखिए फेस कितना मोटा हो गया, पहले देखो कैसे था, इसके फेस को आप मोटा कर सकते हैं। अगर फेस को पतला करना है तो आपने इसको राइट साइड की तरफ, ये देखो पहले ऐसा था अब ऐसे पतला हो गया, ये फेस का कट कितना बढ़िया लग रहा है। एंड ये सेटिंग्स के साथ में हमारे पास ये चेहरा बना हुआ है स्माइली बनी हुई है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो फेस इससे ऊपर नीचे लेफ्ट साइड की तरफ हम लेके जा सकते हैं, जैसे ऊपर को ड्रैग करेंगे तो ये फेस देखो, ये देखो ऊपर के, ये ऊपर और नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप फेस का एंगल भी चेंज कर सकते हैं, ये देखो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। एंड यहाँ से कर दो डन। तो गैस ये थे आज के 3 ट्रिक्स जो स्नैपसीड के अंदर आप कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। एंड गैस वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट्स में लिखकर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में।